श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंत्रों का किस प्रकार से जाप करना चाहिए, बाबा श्याम के मंत्रों को जाप करने से पहले किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं और आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों ने उस वीडियो को देख भी लिया है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मन में ये डिसाइड करते हैं कि मुझे बाबा श्याम का मंत्र जो है 51,000 जप करना है या 1,25,000 मंत्र जप करना है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? मान लीजिए श्याम भक्तों, आपके पास इस तरह की तुलसी की माला है 108 मनके वाली। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पर डे कितने माला जप करें कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि बाबा श्याम के 1,25,000 मंत्रों का जप कर सके। तो श्याम भक्तों, वीडियो बहुत ही अद्भुत है और आज मैं पूरे एग्जांपल के साथ आपको इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको बाबा श्याम का, अगर ये संकल्प लेते हैं किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए, अगर आप 1,25,000 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से इस मंत्र को जप कर सकते हैं। बाबा श्याम का 1,25,000 मंत्र सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, परंतु जो विधि मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप उस विधि से बाबा श्याम के मंत्र को या किसी भी देवी देवताओं के उस मंत्र को अगर आप जप करते हैं तो वो मंत्र आपकी सिद्ध हो जाएगी और बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। मान लीजिए श्याम भक्तों, आप जो रेगुलर मंत्र जप करते हैं सभी देवी देवताओं की, वो तो आप जप करते ही करते हैं, परंतु किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप मंत्र को जप कर रहे हैं तो उन मंत्रों को जप करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है और संकल्प किस प्रकार से लेना होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप उस प्रकार से संकल्प लेंगे। सबसे पहले संकल्प में ये बोला जाता है कि आप 1,25,000 मंत्रों का जप करेंगे या 51,000 मंत्रों का जप करने वाले हैं या 21,000 मंत्रों का जप करने वाले हैं। तो इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है, ये बोला जाता है कि मैं बाबा श्याम के इतने मंत्रों का जप करने वाला हूँ, और उस संकल्प को हर दिन लिया जाता है। जैसे कि आपने पहले दिन किया तो पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि आज मेरा प्रथम दिन है और मैं आज इतने मंत्रों का जप करने वाला हूँ, और उससे पहले क्या क्या चीज़ें बोलनी पड़ती हैं वो सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। चलिए श्याम भक्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि बाबा श्याम का 51,000 मंत्र या 1,25,000 जो मंत्र होता है उसका जप हम कितने दिन में और कैसे 108 मनके की माला के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप 51,000 माला की जाप करना चाहते हैं, आपने ये संकल्प लिया है कि आपको 51,000 माला की जाप करनी है। तो 51,000 माला की जाप करने के लिए कैसे कैलकुलेशन हमें याद रहेगा और इस तरह की माला से हम कितने दिन में उस माला को जप कर पाएंगे, चलिए उदाहरण के जरिए जानते हैं। मान लीजिए श्याम भक्तों, आपने 51,000 मंत्र को जप करने का 21 दिन का संकल्प लिया है, यानी आपने ये प्रण लिया है कि मुझे 51,000 मंत्र को 21 दिन में समाप्त करना है, यानी 21 दिन में पूर्ण करना है। तो 21 दिन में पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा, 51,000 को 21 से डिवाइड कर देना है। श्याम भक्तों, अगर आप इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद 2,428.57 निकल के आता है। तो इसको आपको वापस से क्या करना होगा, 108 से डिवाइड कर देना होगा कि हम 108 मनके की माला से जप करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 22.48, ये जो है इसका आंसर आएगा। ये जो निकल के आया है ये माला का एक दिन का जप है। अगर आप पर डे माला जप करते हैं तो 51,000 माला को 21 दिन में जप करनी है, तो 21 दिन के हिसाब से आपको 22.48 करके ये निकल के आया है, यानी इसको अगर राउंड फिगर करते हैं तो ये 23 हो जाएगा, यानी 23 माला आपको पर डे जप करना है अगर 21 दिन के लिए जप करते हैं 51,000 माला को। तो 23 माला हम पर डे कैसे जप करेंगे, तो इसको आप चाहे तो सुबह और शाम में भाग दे सकते हैं, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 11.24, यानी 11.24 को राउंड फिगर बोले तो 12 माला आपको सुबह करनी है और 12 माला आपको शाम के समय करनी है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम माला जप करेंगे तो इस प्रकार की 108 बार मंत्र को जप करना है और ऐसी माला को हमें 12 बार जप करना है। अगर हम सुबह जप करते हैं 51,000 मंत्र को 21 दिन में पूर्ण करना है तो,
अब इसको जप करने से पहले हम जो ये सुमेरु है इसको काउंट नहीं करेंगे। शम भक्तों अब बात करते हैं कि 51,000 माला अगर मान लीजिए आप 11 दिन के लिए करेंगे तो कितना आएगा। अगर 51,000 माला को 11 दिन में करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4,636.3636 और अगर इसको डिवाइड करते हैं 108 से तो 108 से डिवाइड करने के बाद 42.92 ये आंसर आएगा, यानी कि 43 माला आपको पर डे जप करना है। अगर हम इसको 2 से भाग दे देते हैं तो ये 21.46 करके आएगा, यानी 21.46 यानी अगर राउंड करेंगे तो 22 माला आपको सुबह करनी है और 22 माला आपको संध्या के समय करनी है। माला अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माला कम पड़ जाए तब ये चिंता की विषय है, उसका हमें पूरा फल नहीं मिल पाता, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं परंतु कम नहीं होना चाहिए। शम भक्तों अब बात करते हैं 1,25,000 मंत्र का अगर हमें जप करना है बाबा श्याम का तो वो कितने दिन में जप हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1,25,000 मंत्र को 11 दिन में जप करना है तो पर डे हमें कितना माला जप करना चाहिए। 1,25,000 मंत्र को 11 दिन के लिए जप करना है तो 1,25,000 को यानी कि 1,25,000 को डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करने के बाद 11,363.6363 ये इसका आंसर आएगा। अब हमें इसका 108 बार जप करना है, यानी 108 से इसको हम डिवाइड दे देंगे 105.288 इसका आंसर आएगा, यानी कि 106 माला हमें पर डे अगर हम पूरे दिन में एक बार जप करते हैं तो 106 माला हमें जप करना है राउंड फिगर में। और अगर आप चाहते हैं इसको दो बार में करना है इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे 52.6094 ये आंसर निकल के आया, यानी कि 53 माला आपको पर डे यानी सुबह 53 माला जप करनी है, शाम के समय 53 माला जप करनी है, सुबह शाम 53 माला जप करनी है, यानी कि कुल मिला जुला के कहे तो 106 माला आपको पर डे जप करेंगे तब जाके वो 11 दिन में कंप्लीट होगा और इस तरह से आपका 1,25,000 मंत्र का जाप की सिद्धि हो पाएगी। शम भक्तों अब बात कर लेते हैं 1,25,000 मंत्रों को अगर 21 दिन के लिए जप किया जाए तो कितनी माला पर डे पड़ेगी। शम भक्तों 1,25,000 को हम डिवाइड करते हैं 21 से तो इसका आंसर निकल के आता है 5952.3809 इसका आंसर निकल के आएगा 55.1146। तो शम भक्तों अगर राउंड फिगर करें तो ये 56 हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो इसका आंसर निकल के आता है 27.5573। शम भक्तों अगर हम इसे राउंड फिगर में करेंगे तो 28 माला हमें सुबह करनी है, 28 माला हमें शाम को करनी है, यानी इस प्रकार से अगर हम एक दिन में जप करते हैं तो 56 माला हमें करनी है और अगर हम सुबह शाम में भाग दे देते हैं तो 28 माला सुबह 28 माला शाम को करेंगे तब जाके 21 दिन में 1,25,000 मंत्र का जप की सिद्धि हो पाएगी। इसी प्रकार से शम भक्तों अगर आपने प्रण लिया है कि मुझे संकल्प करके इतने मंत्रों का जप करना है तो इसी प्रकार से आप दिन और माला का भाग देकर अपने मंत्रों का पर डे का जप माला का अनुमान निकाल सकते हैं। अंदाजे में हमें जप नहीं करना चाहिए, 1,25,000 जप करना है यानी मंत्र का जप करना है तो हमने अंदाजा में किसी से पूछ लिया उसने अंदाजे में बता दिया। यहाँ मैंने आपको पूरा फेयर करके एग्जांपल देके अच्छे से समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। और इन मंत्रों को जप करने से पहले संकल्प ज़रूर ले लीजिएगा और अगर आपको संकल्प लेना नहीं आ रहा है तो अपने किसी नज़दीकी पुजारी जी महाराज से बात करिए, उन्हें बुलाइए, वो आपको संकल्प करवा देंगे और संकल्प एक बार वो करवा देते हैं बता देते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप अपना मंत्र को जप करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि विशेष पूजा में तो हर दिन ही संकल्प लेना है तो ये आपको सीखना ज़रूरी है कि किस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। शम भक्तों ये जो मैंने तरीका बताया है ये सिर्फ शम बाबा के मंत्र के लिए ही नहीं है, आप किसी भी देवी देवता या आपके गुरुदेव ने जो मंत्र आपको बताया है उन मंत्रों को इसी प्रकार से आप काउंट करके उनकी माला बनाकर प्रतिदिन जप कर सकते हैं। इस तरह से जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि माला का जप किस प्रकार से करना चाहिए, आपकी काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। शम भक्तों कोशिश करिएगा जब आप जप करेंगे तब आपकी काउंटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने यह काउंटिंग आपको बता दी है, बाकी जो 27 माला सुबह करनी है, 27 माला शाम को करनी है, 11 माला सुबह करनी है, 11 माला शाम को करनी है, इस प्रकार की जो काउंटिंग होगी ये आपको खुद से ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई गलती आपसे
ना हो, त्रुटि ना हो। और शाम भक्तों, इन मंत्रों को जप करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। बहुत ही शांति वातावरण चाहिए, मन में कोई भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी मन में अवसाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री माइंड से, शांत माहौल में आपको ये मंत्र का जप करना है। आसपास कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई आ गया, आप मंत्र जप कर रहे हैं, किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया या बीच में किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र की सिद्धि गुप्त स्थान पर होती है, गुप्त तरीके से होती है। मानसिक तरीके से इन मंत्रों का जप किया जाता है, तभी जाके ये मंत्र सिद्ध होते हैं। और जब आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तब आप में ईश्वरीय शक्ति आती है। और आपके घर परिवार में कोई अगर बीमार है, जिस सिद्धि के लिए आपने इन मंत्रों का जाप किया है, वो सिद्धि आपकी जल्द से जल्द पूर्ण होती है। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। जय श्री श्याम।